बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव वीडियो आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अब यह है कि भाई ऐसे कवानीन से मैं आपको वक्तन फक्तन आगाह करता रहता हूं, जहां यानी कि कोई भी आपकी एक गलती आपको भाई सऊदी अरेबिया में लंबे अरसे के लिए जेल और एक बड़ा जुर्माना करवा सकती है। ये वीडियो भी इसी के मुतल्लिक है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी कि कुछ एक पाकिस्तानी था और एक अफगानी था, सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि टिकटॉक के ऊपर भाई रियल शो करवा रहे थे। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों भाई? सऊदी अरेबिया में ये ममनू है, आप अपने प्राइवेट कागजात, अपनी कोई जैसे कि आपके पास रियाल वगैरह है काफी, अच्छा 2-4 हजार 5 हजार की तो बात ही नहीं, ये तो हम कमाते हैं, किसी को ऐसे दिखा रहे हैं यार ये मैंने इतने लिए हैं, मुझे इतने मिले हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हजारों की यानी कि लाखों की तादाद में रियाल शो करवाना, गोल्ड शो करवाना, ये ममनू है सऊदी अरेबिया की मीडिया के ऊपर। लेकिन ये बंदे दो गिरफ्तार किए गए। अच्छा, हैरत वाली बात ये है कि मैं खुद से, मेरा दिमाग चकरा गया यार ये वीडियो देखा। यहां पर मैं वो अभी आपको चलाकर दिखा भी रखा हूं। इसमें आप देख सकते हैं ये अल खर्ज से दो अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से भाई 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के डॉलर और रियाल बरामद हुए हैं। मैंने जब ये पढ़ा है तो मैं खुद से भाई हैरान हो गया हूं कि 10 मिलियन 1 करोड़ के डॉलर यानी कि 1 करोड़ डॉलर और रियाल बरामद हुए हैं, और डॉलरों की तादाद ज्यादा है। जैसा कि नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं, नीचे पिक्चर भी इन लोगों ने वो लगाई है जब इनको गिरफ्तार किया गया, तमाम वो पैसे वगैरह भी रखे हुए हैं, उनमें डॉलरों की भाई गतियां जो है वो ज्यादा है, रियालों की कम है। तो 1 करोड़ इनके पास से भाई डॉलर और रियाल बरामद हुए हैं जब इनको गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तार क्यों हुए हैं भाई? स्नैपचैट के ऊपर अपनी वीडियो लगाई, जो अभी आपको मैंने आप दिखा दिया, यहां पर आपने देख ली होगी, गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी भी माशाल्लाह बहुत महंगी गाड़ी है जी, गाड़ी में बैठे हुए हैं, साथ में वो डॉलरों की और रियालों की गत्तियां रखी हुई है, साथ में कोक की बोतल रखी हुई है, वो वीडियो बनाई है, थोड़ी स्टेयरिंग वगैरह की वीडियो बनाई है, स्नैपचैट के ऊपर डाल दी है, सोशल मीडिया के ऊपर। भाई सोशल मीडिया का नशा है लाइक्स वगैरह व्यू वगैरह लेने के लिए, तो भाई फिर वो सऊदी मरूर के हत्थे चढ़ गई है, फिर इन बंदों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। चाहे इनके भाई ये पैसे हक हलाल के ही क्यों ना हो, लेकिन इनको भाई इस चीज को यानी कि ये ममनू काम करने के ऊपर इनको भाई जेल और जुर्माना जरूर होगा। तो आप परदेसी भाई तमाम सऊदी अरेबिया में रहते हुए भाई ऐसी कोई भी बेवकूफी मत कीजिएगा, वरना भाई आप यहां पर जेल में और अलग से जुर्माना आपको अलग से देना पड़ेगा। सोशल मीडिया का नशा भाई लोगों के सर पर चढ़ा हुआ, मैं बिल्कुल समझता हूँ, खासकर टिकटॉक के ऊपर तो भाई लोग बहुत सी बेवकूफियां कर रहे हैं, और इन्हीं बेवकूफियों को देखते हुए सऊदी पुलिस भाई इन्हें फिर गिरफ्तार भी कर लेती है। सऊदी अरेबिया के मुतालिक आपने कोई भी और न्यूज जाननी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।